कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग खुशहाल थे, लेकिन फिर आया एक अदृश्य दुश्मन, कोरोना वायरस। गांव के बीचों बीच एक चौपाल पर लोग इकट्ठा हैं, बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। पहला व्यक्ति, अरे ये कोरोना वायरोना कुछ नहीं होता, ये सब बड़े शहरों की बातें हैं, हम गांव के लोग तगड़े हैं, हमें कुछ नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति, हाँ हम पर तो भगवान की कृपा है, हम क्यों डरें। लोग हंसते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अगले दिन गांव में हलचल मच जाती है। एक व्यक्ति बीमार होकर जमीन पर गिर जाता है। डॉक्टर आकर उसे देखता है। डॉक्टर, यह लक्षण कोरोना वायरस के लगते हैं, हमें तुरंत पूरे गांव को आइसोलेट करना होगा। लोग घबरा जाते हैं। गांव के लोग अब मास्क पहन रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। समय पर सावधानी न बरतने के कारण गांव में कई लोग बीमार हो गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने समझ लिया कि अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। गांव का वही चौपाल, लेकिन इस बार सभी लोग मास्क पहनकर और दूरी बनाकर बैठे हैं। गांव के मुखिया सभी को समझा रहे हैं। मुखिया, सभी को मिलकर इस वायरस से लड़ना होगा, मास्क पहनो, हाथ धो और दूरी बनाओ, यही हमारी जीत का रास्ता है। लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। सूरज ढल रहा है, गांव के लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। कोरोना वायरस भले ही अदृश्य हो, लेकिन हमारी एकजुटता और सावधानी से हम इसे हरा सकते हैं। स्क्रीन पर संदेश आता है, सावधानी ही सुरक्षा है, कोरोना से डरो नहीं, सावधान रहो।